आज मैं बहुत बार मिस किया टारगेट को, लेकिन सिर्फ दो ही गिरा पाया ना आज। ऊपर के दो लेयर हम नहीं खाते, पूरा ग्रेवी हो गया अपना मिर्च की चटनी, पूरा स्पाइसी। इसमें आप देख सकते हैं फ्लेवर, ये देखिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी एक्चुअली दोपहर का वक्त है दोस्तों, तो सुबह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया क्योंकि मेरे अपने कुछ पर्सनल चीज़ें थी, कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो रही है मेरे लाइफ में, तो उस कारण मैंने नहीं किया। एंड मैं बिल्कुल डिप्रेशन में जाने वाला था। मैं आज सोशल मीडिया पे बहुत अनाप शनाप मैंने कुछ पोस्ट किया था, मैंने वो सारी चीज़ें फिर से डिलीट कर दिया क्योंकि भाई अलग से दिमाग काम नहीं कर रहा था मुझे। और आज मैंने सोचा था कि आज मैं ब्लॉगिंग करूँगा ही नहीं, पूरा सो गया मैं। और उसके बाद अभी जागा हूँ, उसके बाद पता नहीं सर में भारीपन सा महसूस हो रहा है और मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ कि नहीं भाई वीडियो तो बनाना है जो कुछ भी हो। तो अभी जो है तो सर भी भारी हो रहा है, तो मतलब कुछ चटपटा सा खाने मन हो रहा है। तो मैं और जेरी सोच रहे हम लोग जाएंगे एलिफेंट एप्पल लाएंगे, उसके बाद जो है चटनी बना के खाएंगे। वो खाने से थोड़ा सा सर का भारीपन जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो फिलहाल मैं ये स्लिंग शॉट लिया हूँ, इससे जो है मार मार के गिराऊंगा। उसके बाद चलते हैं, अभी मैं और जेरी एलिफेंट एप्पल सबसे पहले लाते हैं। जेरी भी आ गई है अभी, पूरा ये जो बैग है उसमें पूरा बोरा भर के लाएंगे ना आज, क्योंकि मतलब घर में भी चाहिए होता है पूरा सब्जियां वगैरह खाने के लिए भी। एलिफेंट एप्पल तो हम बहुत सारी चीज़ों में मिक्स करके भी खा सकते हैं और सिर्फ एलिफेंट एप्पल को मतलब पका के भी खा सकते हैं। तो आज बहुत सारे लाएंगे हम। ये स्लिंग शॉट है ना, इससे मार मार के गिराऊंगा मैं। चलो, हाँ पूरा खेत के बीच से होके जा रहे हैं हम लोग शॉर्टकट वाले रास्ते से। उत्तर में है एलिफेंट एप्पल का पेड़, पहले भी देख चुके हैं आप लोग वाला पेड़, तो उसमें जाके हम लोग तोड़ेंगे। यहाँ से आ गए हम, लेकिन यहाँ पे रास्ता ही नहीं है, पूरा फाफर की खेत। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा दोस्तों। तो हम इस खेत के बिल्कुल किनारे किनारे से होके जाएंगे, खेत को भी बर्बाद ना हो, बिल्कुल साइड से जाएंगे हम लोग। आओ अच्छे से तो स्लिंग शॉट से मारने के लिए जो है मुझे कुछ गोलियां चाहिए होंगे, पत्थर। और यहाँ पे है पत्थर, मुझे मालूम है इसके अंदर पत्थर है, तो यहाँ से गोलियां लेके जाऊंगा मैं। ये देखिए गोली। यहाँ पे पूरा खेत है दोस्तों, और वो ये रहा एलिफेंट एप्पल का पेड़। और जेरी पहले से पहुंच गई है, ऊपर से भी तोड़ेंगे। बहुत ही मीठे हैं ये वाले एलिफेंट एप्पल। वाओ अच्छे हैं ना, ये देखिए बिल्कुल अच्छे हैं। ये जो गिरे हुए होते हैं वो ज्यादा मीठे होते हैं एक्चुअली। तो मैं ऊपर से भी तोड़ूंगा। आज मैं बहुत बार मिस किया टारगेट को, लेकिन सिर्फ दो ही गिरा पाया ना आज, लेकिन गिरे हुए मिले हैं मुझे। यहाँ पे जाके टारगेट लगाए, देखो मैं यहाँ पे लगाने का कोशिश किया, यहाँ पे भी लगा है ना, ये देखो यहाँ पे भी लगा। चल और गिरा दूँ, और भी गिरा देता हूँ। बस हो जाएगा ना। ये देखो बहुत सारे तोड़ लिए हमने। मेरा एम देखो, एम ही पहले जाके यहाँ पे लगा था, उसके बाद नहीं गिरा, उसके बाद यहाँ पे लगाया मैंने, तब जाके गिरा। बहुत सारे हो गए हैं, काफी है ना। हाँ काफी है। चलो इसे अंदर में डाल लेता हूँ। ये देखो बहुत सारे। हो गया ना। चलो अभी जा रहे हैं हम, ऐसे ही लेके जाएंगे, कुछ चटनी बना के खाएंगे, कुछ सब्जियां बना के फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखेंगे। अभी सूरज भी बिल्कुल डूबने को लगा है। किधर से उतरे थे हम लोग, उधर है ना रास्ता। चलो और यहाँ पे आधे रास्ते पे हमें ये मिले हैं दोस्तों टेरो रूट्स के प्लांट, तो ये हम लेके जाएंगे सब्जियां खाने के लिए। और ये एलिफेंट एप्पल के साथ मस्त सब्जी बनती है इसकी कॉम्बिनेशन।
इतना मस्त, इतने तोड़ा हूँ, अभी लेके जाएंगे शाम को सब्जी पका के खाएंगे। ये जो है बम्बू में ज़्यादा मस्त होती है। चलो इधर से जाएंगे। अभी हम घर पहुंच गए हैं, इन्हें निकाल के रख लेते हैं, शाम को खाएंगे इनकी सब्जी हम। और यहाँ से हम एकदम पके पके बोले, ये देखिए ये बिल्कुल पका हुआ है, ये एक दो खाएंगे हम चटनी बना के, और ये एक ये दो खाएंगे हम। यहाँ पे आते ही जेरी सबसे पहले मिर्च की चटनी बनाने की तैयारी कर रही है, उसके बाद मैं वो काटूंगा, क्योंकि वो पहले काटने से उसमें कुछ कलरिंग आ जाती है, वो देखने में अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे ड्राई फिश रेडी है, ड्राई फिश को अभी मैं गैस पे ही इसको रोस्ट करूँगा, क्योंकि वहाँ पे चूल्हे पे अभी तक आग जलाया नहीं है। ड्राई फिश पक के हो गया है तैयार, अभी इसे मिर्च में मिलाना है। मिर्च की चटनी भी हो गई है, बस ड्राई फिश मिलाना है। अभी मिर्च की चटनी भी हो गई है, एलिफेंट एप्पल को काटते हैं। ये देखो कैसे काटते हैं, इसमें पांच लेयर होते हैं, ऊपर के दो लेयर हम नहीं खाते हैं, खा भी सकते हैं, बस उसका टेस्ट अलग सा होता है। ये पहला लेयर और ये रहा इधर दूसरा लेयर इसका, हाँ, और तीसरा लेयर इधर है। तीसरा लेयर भी खा सकते हैं आप, ये मैं आप लोग को बताता हूँ, ये जो व्हाइट पोर्शन है ना ये मीठा होता है, ये थोड़ा सा कड़वा होता है खाने के लिए, इसलिए हम ये बाहर वाले जो लेयर्स होते हैं उन्हें नहीं खाते, सिर्फ अंदर वाले खाते हैं। अंदर वाले तो भाई गजब का टेस्ट, आप लोग देख के भी डर रहे होंगे ना, कहीं मैं अपना उंगली ना काट दूं, एक्सपीरियंस है भाई इधर का। स्पेशली उल्टी आने से, वोमिटिंग आने से, ये खट्टा खट्टा चटनी खाने से एकदम मजा। ये देखो अंदर में किसे निकलते हैं, ये देखो। तो इन दो लेयर्स को ये देखो, ये बिल्कुल व्हाइट का पोर्शन ज्यादा है, इसलिए ये बहुत ही स्वीट होते हैं। ये देखो, हम इसे अपने लैंग्वेज में फागोर कहते हैं, उलू फागोर। एलिफेंट एप्पल को हम कहते हैं उलू, असमिस में कहते हैं आउतेंगा। अब इन एलिफेंट एप्पल की लेयर्स को अच्छे से धोने के बाद अभी हम इनकी क्या कहते हैं छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, पीस करेंगे इनकी। तो यहाँ पे अपना मिर्च की चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, पानी मिला के बिल्कुल ग्रेवी बना दिया है दोस्तों इसे। ये देखिए पूरा ग्रेवी हो गया अपना मिर्च की चटनी, और यहाँ पे रेडी है एलिफेंट एप्पल के टुकड़े। तो यहाँ पे नमक, बस ये अभी इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी इसे देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा है, अभी इसे मिक्स करना। चलो जरिए मिक्स करो, हाथ से करो, हाथ से जो मिक्स करने में टेस्ट आता है ना वो चम्मच से नहीं आता है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हाथ से खाते हैं। तो ये रेडी हो गया है दोस्तों, अभी हम खा रहे हैं, वाह बिल्कुल मज़ेदार हुई है। ये देखिए पूरा स्पाइसी, इसमें आप देख सकते हैं फ्लेवर, ये ड्राई फिश और मिर्च की फ्लेवर आपको साफ साफ दिख रही होगी। खाओ, कैसा हुआ टेस्टी, मजा आ रहा है। ये देखिए आप लोग भी ट्राई कर सकते हो ये वाली चटनी। मजेदार, लोकल एंड ऑर्गेनिक। हाँ बस अभी हो गया, अभी खाते हैं, खाओ। मजेदार ना,
मजा आ रहा है। पूरा भरपेट खाऊंगा, इससे जो है जो भी सर में भारीपन है सब कुछ चला जाएगा। अगर आपको वोमिटिंग आती है, माथा चक्कर देता है, सर दर्द होता है, सब कुछ चला जाएगा ये खाने से, ये चटनी। हम कब से खा ही रहे, बहुत ही मजा आ रहा है, पूरा खत्म ही नहीं हो रहा है, पूरा स्पाइसी ना, बहुत ही स्पाइसी हुई है, फिर से खाऊंगा। पसीना निकलने लगा अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और जेरी हार मान गई, पूरा टीका लग गया उसे, बट मैं अभी तक टीका हुआ हूँ, पूरा लास्ट तक खाऊंगा मैं। फाइनली फिनिश कर दिया मैंने अकेले, ये पूरा पानी पीने लग गया है, बहुत टीका लग गया लेकिन मेरे मुंह में, टीका लग गया था बहुत ही ज़्यादा, इसलिए नमक के साथ फिर से खा रहा हूँ मैं एलिफेंट एप्पल। मंजिता खाओगे? ये देखो मंजिता भी आ गई है ट्यूशन से, बैलून फुला रही है, लो खाओ, लो ऐसे। वाओ क्या है ये? ओह बैलून। खाओ इससे नमक मिला के, लो लो ये पकड़ो, ये खाओ, खाओ। कैसा है? बहुत टेस्टी है। मीठा है? टेस्टी, मीठा को भी टेस्टी बोलता है तू। अभी हम भी खा लेते हैं ये। अभी बिल्कुल रात हो चुकी है दोस्तों, और हम पकाने जा रहे हैं यहाँ पे चिकन। ये देखिए सब कुछ रेडी है यहाँ पे चिकन पकाने के लिए, और आज केवल घर पे हम हैं, मैं और जेरी, मम्मी, मंजिता और दीदी, सभी लोग जो है, दीदी गई है तेजू, मम्मी और मंजिता गए हैं एक शादी पार्टी में, तो अभी हम लोग केवल घर पे, मैं और जेरी हैं, तो दोनों के लिए सिर्फ ये चिकन है, और कुछ पकाएंगे नहीं, दोपहर का पका हुआ सब्जियां हैं, और जो तेरे रूट्स के जो लीव्स हमने लाए हैं ना, वो जो है कल सुबह ही खाएंगे हम लोग, क्योंकि आज सिर्फ चिकन से ही काफ़ी, अपना डिनर चिकन से ही हो जाएगा। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, अभी पकाते हैं चिकन। चिकन बितुलवाया के स्टाइल में, बितुलवाया ने ला दिया ये, इसको मंगाया था मैंने कॉल करके, ये यहाँ पे है लहसुन, अब मसाला वसाला कुछ डालेंगे नहीं इसमें, विदाउट मसाला। चिकन, हरी मिर्च, मिर्च का कलर पूरा मसाला, अपना चिकन पक रहा है धीरे धीरे, अभी पूरा ड्राई करेंगे हम इसे, बिल्कुल ड्राई ड्राई करके पकाएंगे, बिल्कुल फ्राई चिकन की तरह। आज बिल्कुल अंधेरा अंधेरे में पका रहे हैं, उधर में जेरी आग सेक रही है, और करंट है ही नहीं, आज लाइट नहीं है, यह हमने सोलर वाले लाइट जलाए हैं, पता नहीं दो दिन से हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है हमें। वाओ ये देखिए अपना चिकन बिल्कुल पकने वाला है, बिल्कुल रेड रेड हो गया है, और इसमें मैंने बड़ा सा लहसुन दिया है, ये खाने में वाला है कि मज़ा आता है ये ऐसे देने में, पूरा गोटा सा ना, ये देखिए जैसे ये पकेगा खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो अभी डिनर करने का टाइम आ चुका है दोस्तों, और अभी केवल मैं और जेरी है सिर्फ दोनों, तो एक ही थाली से खा रहे हैं आज हम लोग, घर पर कोई भी नहीं है, तो चिकन है, और अपने पास ये मूली की सब्जी है, जो तेरह रूट हम लोग तोड़ के लाए थे वो कल सुबह पकाएंगे, बस इसी के साथ करेंगे डिनर। वैसे हमें भूख भी नहीं है, बस रात को फिर से भूख लगेगा बोल के हम लोग थोड़ी सी मतलब खा रहे हैं चावल और ये सारी चीज़ें, तो अभी खाते हैं हम दोनों। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं टेक्निकल गुरु जी समझ रहे, टेक्निकल गुरु जी, वाह सबसे पहला बाइट मुझे, अच्छा बहुत बढ़िया। चिकन, चिकन के साथ, रुको मैं खिला देता हूँ तेरे को चिकन के साथ, ओके
दोस्तों हमारा डिनर भी हो चुका है कंप्लीट। तो आज बहुत ही मजे से खाया हमने चिकन और मूली की सब्जी के साथ। तो आज जो है दिन भर मैं ब्लॉगिंग नहीं किया था, मैंने दोपहर से स्टार्ट किया, आप लोग को मैंने एलिफेंट एप्पल की चटनी खा के दिखाया। तो मतलब आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग जीवन में कुछ भी हो ना, आप जिस काम पे पकड़ते हो उस काम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए आपका मेहनत। मैं डेली ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं सोचा था आज मैं करूँगा ही नहीं, लेकिन शाम को मैंने अपना माइंड को चेंज किया, नहीं करना है तो करना है आज डेली ब्लॉगिंग। मतलब मैंने चैलेंज लिया 365 डेज में 365 वीडियोस, तो उसे कंप्लीट करूँगा ज़रूर। तो इसलिए मैंने फिर से आज बनाया, पता नहीं आज का वीडियो कैसा हुआ, आप लोग को पसंद आया कि नहीं। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते कल एक और नए ब्लॉग के साथ।